आपको मेरी रेसिपीज पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। और भी मजेदार रेसिपीज देखने के लिए मेरे चैनल द किचन कहानियां से जुड़े रहिए। आज हम भरवा बैंगन बना रहे हैं, इसके लिए मैंने 400 ग्राम छोटे साइज के बैंगन लिए हैं। आधा कप मूंगफली ली है, ये कच्ची मूंगफली के दाने हैं, इसको हम भून लेंगे और छिलके हटा लेंगे। एक बड़ा चम्मच नारियल का चूरा लिया है, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। आधा बड़ा चम्मच मैंने चीनी है, एक छोटा चम्मच गरम मसाला, चौथाई चम्मच हल्दी, एक छोटा चम्मच लाल मिर्च, नमक स्वाद अनुसार, एक छोटा चम्मच अमचूर और एक छोटा चम्मच जीरा लिया है और दो बड़े चम्मच धनिया पाउडर का यूज करूंगी। दो प्याज मैंने बारीक काट लिए हैं, एक टमाटर लिया है और एक बड़ा चम्मच मैंने चॉप्ड गार्लिक लिया है। कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल करूंगी मैं। सबसे पहले हम एक माइक्रोसेव बोल में मूंगफली के दानों को डालकर इसको हम 5 मिनट के लिए माइक्रो कर लेंगे और इसको हम ठंडा होने देंगे। जब ये थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो इसके छिलके हटाकर हमें इसको थोड़ा दरदरा पीस लेना है। इतने मूंगफली के दाने हमारे थोड़े ठंडे हो रहे हैं, इतने हम बैंगन को काट कर तैयार करते हैं। इसके हम किनारों से साफ लेंगे और ये डंठल हम नहीं हटाएंगे क्योंकि हम स्टफ बना रहे हैं इसको, तो डंठल अगर हम हटा देंगे तो ये पीसेस एक साथ जुड़े नहीं रहेंगे। हम इस तरह से बैंगन में क्रॉस लगाएंगे और डंठल की साइड उसको जुड़ा रहने देंगे। बैंगन को अच्छी तरह अंदर से चेक कर लेंगे कहीं कोई इसमें कीड़ा ना हो, क्योंकि बैंगन में आमतौर पर कीड़े बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। इसी तरह हम डंठल थोड़ा साफ करके और इसमें हम क्रॉस लगा लेंगे और साथ साथ इसको एक पानी भरे बोल में हम डालते रहेंगे जिससे बैंगन काले ना हो। ये देखिए, इस तरह हम सभी बैंगन को तैयार कर लेंगे और इसको हम पानी में भिगो कर रख देंगे। इधर मूंगफली थोड़ा ठंडी हो गई है, इसके सभी छिलके हम हटा देंगे और इसको हम एक ग्राइंडर में डालकर दरदरा पीस लेंगे। ये देखिए, मूंगफली का दरदरा चूरा हमने तैयार कर लिया है। एक प्लेट में लेंगे, इसमें हम नारियल का चूरा, साथ ही जो हमने चीनी ली है उसमें से थोड़ी चीनी हम डाल लेंगे और थोड़ी हम बचा कर रख लेंगे। अमचूर पाउडर डाल देंगे सभी, नमक थोड़ा सा हम इसमें मिलाएंगे मसाले में, इसी तरह से थोड़ी हम लाल मिर्च मसाले में डाल लेंगे, थोड़ा हम रख लेंगे, हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर हम पूरा डाल देंगे। मसाले को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसको हल्का हम मॉइस्ट करने के लिए इसमें 2 चम्मच लगभग रिफाइंड ऑयल या कुकिंग ऑयल जो भी आप ले रहे हैं वो मिला देंगे। अच्छी तरह से मसाले को हम मिक्स करेंगे, ये थोड़ा मॉइस्ट हो गया है। अब हम बैंगन लेंगे और बैंगन में इस तरह से खोल कर उसको अच्छी तरह हम मसाले को फिल कर देंगे। बैंगन को हमें उंगली से अच्छी तरह दबा दबा कर मसाले को फिल करना है। एक मैंने ये माइक्रोवेव सेफ डिश ली है, इसमें हम बैंगन को रखते जाएंगे। सभी मसाले हम बैंगन में अच्छी तरह भर लेंगे। माइक्रोवेव में बनाने का एक फायदा ये होता है कि जैसे हम ये स्टफ ब्रिंजल बना रहे हैं, थोड़ा कुकिंग ऑयल उसमें कम लगता है। अगर हम इसको कढ़ाई में बनाएंगे तो उसमें ऑयल ज्यादा लगता है, इसलिए सब्जी थोड़ी हेल्दी बन जाती है। ये हमने सब मसाला अच्छी तरह भर दिया है। ये देखिए, बैंगन सब तैयार हो गए हैं। अब इसमें हम ऊपर से हल्का सा कुकिंग ऑयल डाल देंगे और लिड लगाकर हमें बैंगन को माइक्रो करना है। इसको हम माइक्रोवेव में रख देंगे और 5 मिनट तक इसको हम माइक्रोवेव करेंगे, टाइमर सेट कर देंगे।
5 मिनट के बाद माइक्रोवेव से बैंगन बाहर निकालेंगे और सभी बैंगन को हम एक बार पलट देंगे, वापसी से रखेंगे, 5 मिनट इसको हम फिर से माइक्रो करेंगे। पांच मिनट हो गए हैं, बैंगन को हम निकालकर एक बार हल्का चेक करेंगे। ये देखिए बैंगन अच्छी तरह से कुक हो गए हैं। अगर आपको लग रहा है बैंगन थोड़ा कच्चा है तो आप उसको 1-2 मिनट के लिए और माइक्रो कर सकते हैं। अब हम डिश में से सभी बैंगन को निकालकर साइड रख लेंगे, क्योंकि अब हमें इसके छौंक की तैयारी करनी है। डिश को हम हल्का सा स्पून से साफ कर देंगे जो मसाला ये लगा हुआ है। और अब इसमें हम छौंक बनाने की तैयारी करते हैं। कुकिंग ऑयल लेंगे 2 चम्मच, 2 छोटी चम्मच हमने कुकिंग ऑयल लिया है, और इसमें हम जीरा डाल देंगे। इसको हम माइक्रोवेव में रखेंगे जीरा भुनने के लिए, 1 मिनट हम माइक्रोवेव कर लेंगे। अब इसमें हम प्याज और साथ ही लहसुन डाल देंगे, जो हमने काट कर लहसुन लिया हुआ है, मिक्स करेंगे। और जैसे सेम हम कोई सामान गैस पर बना रहे हैं कि उसको भूनते हैं, सेम वही हमें प्रोसेस करना है। दूसरे हम 4 मिनट के लिए प्याज और लहसुन को भूनने के लिए रख देंगे माइक्रोवेव में। 4 मिनट हो गए हैं, निकाल लेंगे। इसमें हम टमाटर डालेंगे और जो हमने मसाले बचाए थे, नमक, हल्दी, लाल मिर्च और थोड़ी सी चीनी, वो हम यहाँ ऐड कर देंगे। जो मसाला हमने बैंगन में भरने के लिए यूज किया था, वो भी जो थोड़ा बचा हुआ है, वो भी हम यहाँ ऐड कर देंगे और इसको दोबारा से हम माइक्रोवेव में रखेंगे 2 मिनट के लिए। टमाटर सॉफ्ट हो गया है और सभी मसाले अच्छी तरह भुन गए हैं। यहाँ हम इसमें गरम मसाला ऐड करेंगे और ये हमारा मसाला तैयार हो गया है। अब इसमें हम जो बैंगन हमने पहले से कुक करके रखे हैं, वो सभी बैंगन सेट कर देंगे। बहुत आसान डिश है और बहुत आराम से और जल्दी बन जाती है। साथ ही इसमें 1-2 चम्मच हम हल्का सा पानी का छींटा देंगे, लिड लगाएंगे और बैंगन को हम दोबारा से माइक्रोवेव में रख देंगे 3-4 मिनट के लिए। और 3-4 मिनट हो गए हैं, ये आप देख सकते हैं बैंगन तैयार हो गए हैं। बहुत बढ़िया भरवा बैंगन तैयार हुए हैं। खाइए और मजे लीजिए।